दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि आखिर विदेशी लोग ही सबसे ज्यादा इस्कॉन को क्यों अपना रहे हैं? अलग अलग देशों में आपको सड़क पर थिरकते गाते विदेशी जन दिखाई दे जाएंगे, जो कि हरे कृष्णा गाते नाचते आपको दिखाई दे जाएंगे। आखिर क्यों विदेशों में इतनी तेजी से फैल रहा है इस्कॉन का परचम? और क्या एक दिन सारे विदेशी इस्कॉन को मानने वाले हो जाएंगे? तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी क्यों अपना रहे हैं इस्कॉन। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर से कीजिएगा। विदेशी संस्कृति को यदि ध्यान से देखा जाए तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आधुनिकता और दिखावे की दौड़ में लोग टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। व्यस्तता इतनी अधिक है कि वहाँ पर लोगों को स्वयं के लिए भी समय नहीं होता, तो वो अपनों के लिए समय कहाँ से निकाल पाए। ऐसे में उनके रिश्ते ना के बराबर ही रह जाते हैं। अकेलेपन के कारण वो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। और ऐसे में इस्कॉन जैसी संस्था ने विदेशियों की इस कमजोर कड़ी को भांप लिया। फिर क्या था, उन्होंने विदेशियों को अपना पहला उद्देश्य बनाया। इस्कॉन के प्रचारक सड़कों पर अपनी अपनी धुन में हरे कृष्णा का गायन करते आपको जहां तहां मिल जाएंगे। जब विदेशी लोग इन्हें इतना खुश और अपने में मगन गाते नाचते देखते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि काश उनका भी जीवन ऐसे ही मस्त मौला सा हो जाए। तभी इस्कॉन संस्था के बारे में और जिज्ञासा उनमें बढ़ने लगती है और वो संस्था ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं इस्कॉन की बात करें तो इसमें एक नयापन है। इनके अनुयायी मंदिरों में भी कीर्तन करते हैं और सड़कों पर भी कीर्तन करते नजर आते हैं। वहीं अन्य धर्मों में पूजा पाठ करने के एक से ही नियम और कानून हैं। जैसे कि ईसाई धर्म को मानने वाले चर्च में ही जाकर चर्च के अंदर प्रे करते हैं। अन्य धर्मों की बात करें तो उनमें भी यही प्रावधान है। तो इस्कॉन की इस बात से भी विदेशी प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा सबसे प्रभावी कारण है कि विदेशियों के इस्कॉन संस्था अपनाने का, वह है भगवद गीता। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। भगवद गीता में 18 अध्याय और लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जो उपदेश अर्जुन को दिए थे वही भगवद गीता में वर्णित है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, परमात्मा, भक्ति, योग इत्यादि का उपदेश दिया। भगवद गीता के महत्व को विदेशों में श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री अभय चरणान विंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने प्रचारित करने के उद्देश्य से 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में इस्कॉन संस्था की स्थापना की थी। अब उनके पास समस्या थी कि अंग्रेज ना ही हिंदी जानते थे ना ही संस्कृत, तो अब उन तक आसानी से भगवद गीता का प्रचार कैसे किया जाए। ऐसे में उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने अंग्रेजी में भगवद गीता का अनुवाद किया और अंग्रेजों तक बड़ी ही आसानी से भगवद गीता को पहुंचा दिया। दिन रात की कड़ी मेहनत व प्रयत्नों से वर्षों तत्पर रहकर उन्होंने भगवद गीता को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया। इससे अंग्रेज बड़ी ही आसानी से भगवद गीता को पढ़वा सीख सकते थे। इस्कॉन के प्रचारक भगवद गीता को रास्ते में चलते फिरते बेचने व इसका प्रचार करते भी आपको मिल जाएंगे। इससे भी इस्कॉन के भक्तों में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि भगवद गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है। जब भी कोई रास्ते से इसे खरीदता है तो अपने घर ले जाकर बड़ी ही धार्मिक दृष्टिकोण से इसे देखता है, समय मिलने पर पढ़ता है व अपने घर के अन्य जनों को भी पढ़कर सुनाता है, जिससे भगवद गीता के प्रति उनका स्नेह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तीसरा कारण इस्कॉन में सात्विक भोजन अपनाने पर जोर देना है। 2006 के आंकड़ों के अनुसार 20% लोग पूरे विश्व में शाकाहारी हैं, तो 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर काफी हो चुका होगा। शाकाहार अपनाने से कैंसर जैसी बीमारियां, हृदय रोग इत्यादि का खतरा काफी कम हो जाता है, ये विश्व जाहिर है। इस्कॉन ने भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न शहरों में इस्कॉन के ही भोजनालय खोल रखे हैं, जहां पर जब पर्यटक खाने पीने जाते हैं तो उन्हें एक सात्विक व साफ सुथरा माहौल मिलता है जो उन्हें काफी प्रभावित करता है। इसके साथ ही साथ वहां पर शाकाहारी भोजन का महत्व भी बताया जाता है
और इन्हीं भोजनालयों के आसपास इस्कॉन की दुकानें भी मौजूद हैं, जिन पर भगवान कृष्ण से संबंधित वस्तुएं व पूजा पाठ का सामान भी बिकता है। तो जब लोग इन वस्तुओं को खरीद कर अपने घर ले जाते हैं तो उनके परिवारजन व मिलने जुलने वाले लोग भी इस्कॉन संस्था की ओर आकर्षित हो जाते हैं व धीरे धीरे इनके सदस्य बनने लगते हैं। चौथा कारण है इस्कॉन के प्रचारकों का विनम्र व्यवहार व बातचीत करने का तरीका होता है, जो कि विदेशियों को अपनी ओर बहुत अधिक प्रभावित करता है। इस्कॉन कभी भी इसे अपनाने पर लोगों को प्रेशराइज नहीं करता, बल्कि विस्तार से भगवद गीता व इस्कॉन संस्था के विषय में जानकारी देता है। इस जानकारी के अंतर्गत इस्कॉन के प्रचारक जोर देते हैं नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने पर, शाकाहार अपनाने पर, जुआ खेलना पाप युक्त बताया जाता है। इस्कॉन संबंधों के विषय में भी सनातन संस्कृति के मार्ग पर ही चलना बताता है। तथा पांचवा है इस्कॉन गौ रक्षा पर भी काफी जोर देता है। एक अन्य प्रभाव ये भी है कि इस्कॉन से कुछ जानी मानी हस्तियां भी जुड़ी हुई हैं, जो कि विदेशी तो हैं, जैसे कि जॉर्ज हैरिसन। इन्होंने कृष्ण पुस्तक व अमेरिका में इस्कॉन मंदिर के लिए काफी चैरिटी भी की थी। इन्होंने द स्वीट लॉर्ड गीत भी रिकॉर्ड किया था। तो इन जानी मानी हस्तियों के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो भी भगवद गीता की ओर ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है इस्कॉन संस्था के विषय में और वो इस्कॉन संस्था बड़ी ही आसानी से अपना लेते हैं।